Hello everyone, welcome back to my channel Shilpi's Craftology. How are you all? Okay guys, so again I have come back with my new video. I'm going to show you a rose mural. See, out here I have taken a cardboard. See guys, if you're a beginner, so you do not go to buy expensive canvases and all. You can make your base on your own. See, it also gives a very good texture when you will make something mural kind of things. Alright, so out here I'm just sticking these both the cardboards together and I will make a firm base for my rose mural. After pasting these circles, put something heavy weight on it so that it will get stick properly. Alright, to secure its edges, I am putting this मास्किंग टेप. तो इसके एजेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा नीट आएंगे और उसमें कुछ होल्स नहीं आएंगे. सी ओके, सो नाउ आफ्टर दिस आई एम पुटिंग न्यूज़पेपर ऑन इट, क्योंकि हमें अच्छा सा फर्म बेस बनाना है, क्योंकि हमें इसको वॉल में हैंग करना है. तो नाउ आई एम पुटिंग सम न्यूज़पेपर कटिंग्स इसके ऊपर एंड आई एम पेस्टिंग इट. तो गाइस, अभी सूखने के बाद, न्यूज़पेपर सूखने के बाद, आई एम टेकिंग दिस POP पाउडर एंड आई एम पुटिंग सम ग्लू ऑन इट और इसको अच्छे से पेस्ट बना के मैं इसको प्लेट में अपने लगाऊंगी टू गिव अ गुड टेक्सचर. सी गाइस, द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस मिक्सचर, इसको अच्छे से आपको लगाना है और इसको लेट इट ड्राई फॉर 6 to 7 hours. एंड टिल द टाइम हम अपना रोज मूरल के लिए वी विल प्रपेयर समथिंग. ओके, तो यहाँ पर मैं क्ले लूँगी विच इज़ अगेन मैंने घर में ही बनाई है. ये एयर ड्राई क्ले है. ओके, सो नाउ आई एम पुटिंग कलर इन इट. मेरे को रेड कलर का रोज़ बनाना है, सो आई एम मिक्सिंग रेड कलर इन इट. और अगर आप इसमें कोई कलर नहीं मिक्स करते हो तो ये ट्रांसपेरेंट ही रहता है. ओके, तो आपको जितना क्वांटिटी में कलर चाहिए, सो यू कैन मिक्स इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सी, नाउ दिस इज़ डन. एंड गाइस, ये जो एयर ड्राई क्ले होता है, टेक्स टाइम टू गेट ड्राई, बट ये बहुत ही इजी टू यूज़ होता है, क्योंकि आप इसको कितना भी सॉफ्ट एंड टाइनी के कितनी भी स्मॉल पेटल्स बनाना है, यू कैन मेक इट ईजीली. और कितना भी बड़ा आपको मॉडल बनाना है, यू कैन मेक इट ईजी. और इसको इतना ईजी टू यूज़ है, आप किसको बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए भी यू कैन स्टोर इट. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने पेटल्स बनाने के लिए ये मैंने लिया है और इसको ये मेरा जो बेस है उसमें आई एम पुटिंग इट. ओके, तो आपको एक एक पेटल करके, यहाँ पर मैंने देखिए किस तरह से स्मॉल स्मॉल पेटल लिए हैं, उसको ऊपर से थोड़ा सा थिन करके, और देखो इस तरह से आपके पास, इफ़ यू डोंट हैव दीज टूल्स तो आप अपने पेन से भी आप इसको शेप दे सकते हो ऊपर से, और इसको इस तरह से, और लीव्स को जो ऊपर से ना थोड़ा सा बेंड भी करते जाना है. सी लाइक दिस ओनली. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. सो गाइस, ये जो क्ले है ये स्टिक भी नहीं होता है हैंड में और बहुत ही इजी टू यूज़ है. इसमें हमें मोल्डेड क्ले के जैसे बार बार पाउडर नहीं लगाना पड़ता है और ये इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होता, तो हमें बहुत ज़्यादा हरी करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये जो पेटल्स हैं ये बेंड डाउन ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे इसको सपोर्ट के लिए आई एम पुटिंग सम टिश्यू. तो और या ये स्टिक भी नहीं होगा और ये
एक उसको एक बहुत ही अच्छा सा लुक देगा क्योंकि वो बेंड डाउन नहीं होंगे पेटल्स. सी आवर रोज इज गेटिंग रेडी दिस वे. अब ये जो हमने ग्रीन कलर का क्ले रेडी करा है इससे आई एम गोइंग टू मेक लीव्स फॉर रोज. और लीव्स को बनाने का भी बहुत ही ईजी वे है. इसको ड्रॉप शेप में हमें शेप देना है और इसको इस तरह से टूल से हम इसको शेप देंगे और इसको हमें स्टिक करना है लेटर. और हम सारी पेटल्स लीव्स बनाकर इस तरह से पहले ही प्रिपेयर करेंगे और फटाफट उसमें लगते जाएंगे. सो गाइज नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राइड अप. अब हमने इसके ये नीचे से जो भी हमने लगाए थे टिश्यू पेपर, नाउ आई एम टेकिंग इट आउट. अब ये जो कलर है ये थोड़ा सा हल्का फुल्का ये जो डल हुआ है उसको अगेन आई एम जस्ट कलरिंग इट इसको बिल्कुल नीट लुक देने के लिए. और इसको कलर करने के बाद आई विल पुट सम शेडिंग. सो गाइज होप यू एंजॉय माई वीडियो. And friends, don't forget to like and subscribe my channel because this is when I get so much motivation from you all. So don't forget. And whatever you like about my video in this video, you just put something in comment box. Whatever your thought. Friends, यहाँ पर मैं leaves में ये yellow color कर रही हूँ. एंड फ्रेंड्स बिलीव मी ये इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट सो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स.
ओके गाइस, सो हमारा बेस इज़ रेडी। अब मैंने यहाँ पर 3D लाइनर लिया है और इससे मैं इसकी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। और ये आउटलाइनिंग से इतना ब्यूटीफुल लुक आया है इसमें। एंड ये फेविक्रिल का 3D लाइनर है, इसके 12 सेट आते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। एंड गाइस, ये 3D लाइनर से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैंने काफ़ी सारे ज़्यादा वीडियोस में भी इसको शेयर किया है। सो अगर आप आर्ट लवर हो, सो यू मस्ट हैव दिस 3D लाइनर एट योर होम। इसका लिंक मैं डेफिनेटली आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।